हेलो मेरा नाम लक्ष्य गुप्ता है मेरी जे एडवांस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 12 आई है और जे ई मेन्स ट्वेंटी में ऑल इंडिया रैंक 48 आई है आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पे आपको बताऊंगा कि मैंने दोनों एग्जाम्स की तैयारी कैसे की तो मैं स्टार्ट करूंगा फिज़िक्स से फिज़िक्स एक बहुत ही कंसेपचुअल सब्जेक्ट है जिसमें कंसेपचुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं पहले थियोरी पे कॉन्सेंट्रेट करता था एक बार जब मेरे कन्सेप्टस क्लियर हो जाते थे तब मैं प्रॉब्लम्स के तरफ जाता था थियोरी के लिए मैंने जो बुक्स यूज़ की हैं वो हैं रेजनिक हेलिडे वॉकर और एच सी वर्मा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ तो मैंने प्रॉब्लम्स के लिए एच सी वर्मा अनुराग मिश्रा और इरोडोव यूज़ किए मैंने जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं फिजिक्स के लिए फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मकैनिक्स इलेक्ट्रोडाइनमिक्स जो टॉपिक्स ईजीली हो जाते हैं और जेई में हर साल आते हैं वो हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स अब बात करते हैं केमिस्ट्री की केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इनआरगेनिकमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले फ़िजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री फिज़िक्स ही तरह होती है आपको मेनली कंसेप्ट फोकस करना होता है इसमें थियोरी के लिए मैंने यूज़ की थी एन अपने कोचिंग के नोट्स और कुछ एडिशनल टॉपिक्स के लिए पीटर एटकिंस इसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स के लिए नीरज कुमार सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिज़िकल केमिस्ट्री यूज़ करी थी इसके साथ मैंने जे एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी यूज़ किए थे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और आपको रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज़म्स दोनों याद होने चाहिए इसके लिए मैंने यूज़ की थी एल जी वेड एल जी वेड में सारे कंसेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में और इलेबरेटली एक्सप्लेन है इसके बाद मैंने एन सी आर टी की बुक्स पढ़ी थी एन सी आर टी में ऑर्गेनिकमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शंस होती हैं जो आपको मेमोराइज़ करनी होती हैं इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आपको एन सी आर टी से पूरा मेमोराइज़ करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मकैनिज़म्स मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे एक बार रिएक्शंस जब याद हो जाएँ तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एम एस चौहान की बुक यूज़ की थी और साथ में अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स यूज किए थे इसके साथ मैंने जे एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी किए थे अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप इसके लिए मैंने एन सी आर टी थ्ररेली फोकस की थी एन के मैंने सारे रिएक्शंस याद किए थे एन कई बार जेई में एन में एन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए आपकी एन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने कपिल वाधवा सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करी थी केमिस्ट्री में अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एल्डोल रिएक्शन कैंजर रिएक्शन बायोमोलिक्यूल्स इन टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन आते हैं और काफी ईजी आते हैं और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग मेटोलॉजी इनमें काफी कम मेमोराइजेशन में और थोड़ी प्रैक्टिस से आप जे ई एडवांस के प्रॉब्लम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं अब मैथ्स की बात करते हैं जेई एडवांस के लिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जो इसमें स्ट्रैटेजी रही थी वो ये थी कि मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता था उसके बाद उससे रिलेटेड टेन टू फिफ्टीन प्रॉब्लम्स करता था और जनरल जनरली डेली मैं टारगेट रखता था कि थर्टी टू फोर्टी प्रॉब्लम्स मैथ्स में अटैम्प्ट करनी है मैथ्स में मैंने जो बुक्स यूज़ की हैं वो हैं विनय कुमार की सीरीज आती है पांच बुक्स की वो यूज़ की है समीर बंसल कैलकुलस के लिए यूज़ की है और जे एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो किए हैं मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेक्टर थ्री डी कॉर्डिनेट जोमेट्री मेट्रिस ये टॉपिक्स बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं और जे एडवांस में इनके हर साल सवाल आते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिविजन करना मैंने अपने केस में पूरा सिलेबस दो बार रिवाइज किया था और बहुत सारे मॉक टेस्ट किए थे मैंने ट्वेल्थ में ही अराउंड टू हंड्रेड मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए थे अब बात करते हैं पेपर अटम्प्ट स्ट्रैटेजी की मैंने जे एडवांस से पहले बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस किए थे इन पेपर्स को मैंने जे एडवांस के टाइम स्लॉट्स यानी कि नाइन टू ट्वेल्व एंड टू थर्टी टू फाइव थर्टी के बीच में ही प्रैक्टिस किए थे इससे मेरा एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड हुआ और मेरी बॉडी क्लॉक सेट हो गई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं पहले फोर्टी मिनट्स एग्जाम के फिजिक्स अटैम्प्ट करता था उसके बाद नेक्स्ट फोर्टी मिनट्स मैं केमिस्ट्री अटैम्प्ट करता था फिर हंड्रेड मिनट्स जो बचते थे उसमें सिक्सटी मिनट्स मैं मैथमेटिक्स को देता था और बाकी के फोर्टी मिनट्स मैं उन क्वेश्चंस को देता था जो मिनिमम टाइम में इजीली सॉल्व हो जाए ये थी मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पूरा पेपर पहले इजी क्वेश्चंस करता था फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट बीच में किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता और कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो तो उसको स्किप कर देना चाहिए पैनिक नहीं होना चाहिए जेई मेन्स के लिए मैंने एक महीने पहले कुछ टॉपिक्स जो जे ई मेन्स के सिलेबस में आते हैं उनको किया था जैसे फिजिक्स में टॉपिक्स हैं सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस एट्सेट्रा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैथ्स में स्टेटिस्टिक्स एटसट्रा तो इन टॉपिक्स की आपको डिटेल लिस्ट जे ई मेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के जे ई मेन्स में हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जेई मेंस के लिए मैंने इसके अलावा वन मंथ पहले से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था अराउंड टेन मॉक टेस्ट दिए थे उसी टाइम स्लॉट में जिसमें मेरा पेपर होने वाला था और इसमें मैंने टाइम कंस्टेंट का बहुत ध्यान रखा था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब बात करते हैं कि बोर्ड्स और जेई प्रिपरेशन को साथ में कैसे बैलेंस करना है तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने दो साल जे की अच्छे से तैयारी की है तो आपके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बोर्ड्स के लिए मैंने वन मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की मेनली मैंने अपना टाइम फिज फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश को दिया इसमें मैंने जो सी बी एस ई की प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उनको रेफ़र किया और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देख लिया और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैंने एन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे इसके अलावा मैंने हर सब्जेक्ट के एक एक मॉक टेस्ट दिया था तो इसमें मेरी बोर्ड्स की तैयारी हो गई अब बात करते हैं क्या सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए जी एसपेरेंट्स को तो मैंने अपने केस में दो साल में सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ किया था इसके अलावा मैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था क्योंकि मेरा मानना यह है कि इससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं और जे का जो फोकस होता है वो टूट जाता है फ्लो ब्रेक हो जाता है तो मैं जे एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके मोबाइल फोन सोशल मीडिया से दूर रहें इसमें आपका बेनिफिट होगा तो ये थी मेरी जे एडवांस और जेई मीन्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको ये भी बताया कि बोर्ड्स को मैंने साथ में कैसे मैनेज किया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेली नॉलेज ट्रैक